हम रोमावती जी के साथ हैं जो 46 ईयर्स की एज है उनकी और ये सिलचर असम से हमारे पास आए हैं। इनको स्पाइन की प्रॉब्लम है काफ़ी पुरानी, 2005 में, यानी कि अब से कोई 16 साल पहले इनकी स्पाइन सर्जरी भी हुई थी। उसके बाद हल्का सा वीकनेस था लेफ्ट लेग में, लेफ्ट फुट में थोड़ा वीकनेस था, लेकिन इनका काम चल रहा था एंड शी वॉज डूइंग हर वर्क। पिछले कुछ महीनों से इनकी लेफ्ट लेग में तकलीफ बढ़ी है, वीकनेस बढ़ गई है, पेन भी है ग्लूटियल रीजन में, और अब धीरे धीरे जैसे चलते हैं तो राइट नी में भी पेन शुरू हो गए। अभी आपको कमर में दर्द कितना है? यहाँ पे जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ कोई दर्द है आपको? तो अभी मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम इसमें है, चलने में ऐसे ताकत नहीं है, लंगड़ा के चलते हैं। मतलब थोड़ा दूर जाने से, बहुत तकलीफ होने से, थोड़ा जल्दी जाने से ऐसे फट फट हो जाता है। पैर को पूरा उठाना पड़ता है। जब पिछली सर्जरी हुई थी उसके बाद ठीक थे? तो उसके बाद ठीक है, ये कब से ज्यादा हुआ? ये 2-3 महीना से बढ़िया। उससे पहले ठीक चल रहे थे? लंगड़ा जरूर था, लेफ्ट दर्द नहीं होता था, हाँ ठीक चल रहा था, मतलब दूर चलना तो दूर चले चला जाते हैं। ऐसे चला, कई बार ऐसे लंगड़ा चलता था बाकी लोग के सब उठा सकता है, अभी तो नहीं। अभी नहीं उठा पाता। तो ये टिपिकल सिम्टम्स हैं डिजेनरेटिव स्पाइन के, कि इसमें इतना दर्द नहीं होता है लेकिन ग्रेजुअल वीकनेस शुरू हो जाती है। राइट में बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, ये थोड़ा सा एटिपिकल पिक्चर है, क्योंकि आमतौर पर जब डिजेनरेटिव स्पाइन होता है तो दूसरी लेग में भी पेन हो जाता है, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब लॉन्ग स्टैंडिंग वीकनेस रहता है पैर में, तो जब हम सर्जरी करते हैं पहली चीज इम्प्रूवमेंट स्लो होती है, दूसरा कंप्लीट नहीं होती। 50% होगा, 60% होगा, 70% होगा, दैट टाइम विल ओनली टेल। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो इट इज 0%। तो वी शुड गिव ए गुड चांस बिकॉज शी इज ए यंग पेशेंट। 46 इज कोई उम्र नहीं है, अभी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और लेडी का तो घर में इतना काम है कि उनके बिना पूरा घर रुक जाता है। तो वील गिव हर आवर बेस्ट कि हम इनको MIS टेक्निक से, इनका जो स्पाइन का जो प्रॉब्लम है, वील पुट उसमें जो डिस्क की हाइट कम होगी उसको बढ़ाएंगे, जो फोरामेन है उसकी वाइडनिंग करेंगे ताकि सर्कुलेशन दोबारा से बने और इनकी लेग में पावर वापस आए। कुछ पूछना चाहते हैं? कोई डर है? डर नहीं है, स्पाइन सर्जरी दूसरी बार हो रही है, लोग एक बार कराने से भी डरते हैं, लेकिन आप ठीक होना चाहिए। हम जी बहुत उम्मीद लेके आए हैं बिल्कुल आपके बिल्कुल, पास। हम पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि ये सिंपल केस नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट केस है, सेकंड टाइम सर्जरी कर रहे हैं, बट हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, पुट रहा हूँ लेफ्ट साइड, उनको पैर ज़्यादा उठाना पड़ता है। चलिए वापस चलिए, और ज़्यादा वेट डाल रहे हैं राइट साइड पर, तो उससे राइट नी में भी पेन शुरू हो गया। पेशेंट इज टोटली डिसेबल नाउ, तो लेफ्ट में पेन भी है, फुट ड्रॉप भी है, आई और राइट नी में पेन भी है। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट को कितनी डिसेबिलिटी है। इधर आइए, रोमापति जी का एग्जामिनेशन हम करेंगे। पैर की उंगली चलाइए दोनों, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से इसको ऊपर खींचिए, दोनों को जितना इस पैर की उंगली खींच रहे हैं ऊपर, इसको नहीं खींच पा रहे हैं क्योंकि इसमें फुट ड्रॉप है पहले से ही, और अब जो कि ज़्यादा हो गया है। पंजे को पूरा खींचें ऊपर, खींचिए, देखिए
इस खींच के रखिए, इसमें पावर कम, खींचिए खींचिए, फुट ड्रॉप है बिल्कुल। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ दोनों तरफ, पता चल रहा है कोई फर्क है? सेम है, सेम है, ओके। रोमावती जी का ये MRI है जिसमें आप देखेंगे कि ये जो स्पाइनल कैनाल है वो यहाँ आकर ब्लॉक्ड है। जो पहले सर्जरी हुई थी वो इस एरिया में हुई थी L5-S1 में, और आप डिस्क की हाइट देख सकते हैं, डिस्क की हाइट बहुत कम हो गई है। जो हमने इनिशियली असेस किया था तो हमें लग रहा था कि शायद डिस्क हाइट कम होने से इनका फोरामेन स्टेनोसिस हो गया है और इस वजह से फुट ड्रॉप है, लेकिन जब हमने केयरफुली इनको एग्जामिन किया तो देखा कि जो इनका L4-5 है, इसमें आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है ये टाइटनेस है। अब ये देखिए काफ़ी थिक है लिगामेंट, फेसेट भी काफ़ी हाइपरट्रॉफिड है, तो इसकी वजह से इनको फुट ड्रॉप था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें L5-S1 की बजाय L4-5 पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और फिर हमने इस पर काम किया। तो इसका आप एक्सरे देखेंगे तो ये है L5-S1 और ये है L4-5। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों तरफ स्पेस बचा हुआ है, जो कैनाल है अभी भी इसमें स्पेस है लेकिन क्या। तो जो इनिशियल प्लानिंग थी वो हमारी थी L5-S1 सर्जरी की, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दोनों तरफ कैनाल अभी भी ओपन है, तो इसकी वजह से सिम्टम नहीं हो सकते, कैनाल भी काफ़ी वाइड है। आप L4-5 में देखिए दोनों तरफ के कैनाल ब्लॉक्ड है, ये देखिए बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। तो दिस वॉज द रीज़न कि पेशेंट को फुट ड्रॉप है। तो हमने इसको पूरा डिकम्प्रेस किया, जो डिस्क डिजनरेटेड है हमने इसकी जगह केस डाला और इस सेगमेंट को फ्यूज कर दिया, क्योंकि L5-S1 का स्पेस बहुत कम है और ये तो एक तरह से ऑलरेडी फ्यूज्ड है। तो हमने जो बेसिक काम किया वो L4-5 पर है। ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ड्यूरिंग सर्जरी, ये बड़ी क्रूशियल होती है। सर्जरी से पहले कई बार हम सोचते हैं, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए। तो डिसीजन कई बार हमें सर्जरी के दौरान चेंज करने पड़ते हैं। हमने रोमावती जी को, उनकी फैमिली को बाद में बताया कि हमने इस वजह से डिसीजन चेंज किया है और उसका पेशेंट को फ़ायदा भी हुआ है। तो आपके केस में भी कई बार ऐसा हो सकता है कि सर्जन प्लान कुछ करते हैं लेकिन सर्जरी के दौरान वो कुछ और करते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जो आपके सर्जन हैं अगर वो कोई डिसीजन चेंज कर रहे हैं तो आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें कोई नाराज नहीं होना है, एवरीथिंग इज़ डन फॉर योर बेनिफिट। तो 11 दिन के बाद हम रिजल्ट देख रहे हैं रोमावती जी का, चलने में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, स्पीड बढ़ी है और हालांकि अभी भी फुट ड्रॉप है, लेफ्ट साइड में अभी भी थोड़ा वीकनेस है, लेकिन जो पहले दिन कंडीशन थी और आज उसमें काफ़ी डिफरेंस है। सर्जरी से पहले पेन भी था, कहाँ से कहाँ तक पेन था पहले? अब सीधा होकर चल रहे हैं। हाँ। आइए। चेस भी ऐसे खींचता था। ये थोड़ा पेन हो गया। ताकत ना रही सब। गुड। गुड। तो दीज सर्जरीज आर अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। आइए वापस आ जाइए। अगर हमारे पेशेंट को 15 साल के बाद 50% भी आराम मिल रहा है सर्जरी से विदिन 11 डेज, तो दैट इज़ ए बिग सक्सेस। और आगे आने वाले टाइम में इसमें और भी अच्छा होगा, बैठिए, और भी रिकवरी होगी, क्योंकि पेन तो चला ही गया है, पेशेंट में कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया है, और जैसे जैसे वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ेगा और मसल और स्ट्रांग होंगी। और बैठिए फिर एक बार। तो एंडोस्कोपिक सर्जरीज का ये फ़ायदा है कि हम पेशेंट को सिर्फ एडवांटेज देते हैं, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, कोई मसल या बोन किसी चीज़ को डैमेज नहीं कर रहे हैं, पेशेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं है इन सर्जरीज से। ओल्ड केसेस में सिर्फ यही होता है कि कितने दिन में और कितनी रिकवरी होगी, बस वही अनप्रिडिक्टेबल है, बट जितना भी होगा फ़ायदा ही होगा। जी का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं सर्जरी के 11 दिन के बाद, इनका एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई है। पंजे को ऊपर खींचिए, जोर लगाइए दोनों को एक साथ, बेटर है इनकी पावर, हालांकि पूरी वापस नहीं आई है लेकिन जो ड्रॉप था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अंगूठा खींचिए, यस काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।
विदिन 10 डेज 11 डेज इतनी इम्प्रूवमेंट आना हो, और वो भी एक ऐसे केस में जिसके रिविज़न की गई थी, 15 साल पहले सर्जरी हुई थी। इस पैर को ऊपर उठाइए, गुड, इसको उठाइए, ठीक है। तो अब ये रिकवरी शुरू हो गई है, अब इनको एक्सरसाइज करनी है, चलना है और थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, तो इसमें रिकवरी पूरी होने वाली है, ठीक है। ये हाथ लगा रहा हूँ, सब पता चल रहा है आपको? वेरी गुड, आइए। तो सर्जरी के 11 दिन हो गए हैं जी सर, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको, मेन डिफरेंस क्या लगा सर्जरी के बाद? अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯠꯄ ꯆꯍꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯔꯦ, ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ
ये करी हाल दारी अनोगो पुंजी फंग बगर चक माना रे हाना गहजी का याम में खेना रे क्या बोला बोलना कि मैं साजी से साजारी से पहले मतलब पहले किया था तो 15-16 साल हो गए उसके बाद जो आराम मिला अभी यहाँ आके वो मिल मैं तो नया जिंदगी मिल गया अच्छा और मैं साझेदारी से पहले कैसे चलती थी मतलब टेढ़ा टेढ़ा और उस वजह से मुझे इतना सेज भी पेन होती थी लेकिन अभी वो ठीक हो गया हर चीज ठीक हो गया खाली फूड ड्रॉप जो भी है जी, ये तो इम्प्रूव होते जाए इम्प्रूव होता जाए बिल्कुल। तो हमें ऐसा नहीं घबराना कि एक बार सर्जरी हुई है अब दोबारा सर्जरी हो रही है तो नेगेटिव नहीं होना है हमें पॉजिटिव रहना है। शुरुआत अच्छी हो गई है तो आगे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो स्पाइन में ये मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि स्पाइन में पेशेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। जो पेशेंट नेगेटिव थॉट के साथ आते हैं नेगेटिव थिंकिंग के साथ आते हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है जी। तो इसमें आप जो मेरी हेल्प कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि पॉजिटिव रहें जो एक्सरसाइज जो प्रिकॉशन बताई गई है वो लें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आना है। तो एंडोस्कोपिक टेक्निक का ये फायदा है कि अगर हम फिक्सेशन भी कर रहे हैं तो पेशेंट को कोई खास ट्रॉमा नहीं हो रहा है पेशेंट बहुत जल्दी मोबाइल हो रहे हैं और पेशेंट को ये जो एडवांटेज है खुद बता रहे हैं अपनी लैंग्वेज में तो यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो जी आप वापस जाएं खुश रहें अपना काम करें अच्छे से और कभी कभी हमें याद करें करेंगे। इट्स सो सैटिस्फाइंग एंड इट्स सो ग्रेटिफाइंग कि हम पेशेंट की तकलीफ दूर करके उनको वापस उनके घर भेज रहे हैं ताकि वो बीमारी को भूल जाएं और अपनी लाइफ में फोकस करें। डॉक्टर साहब को तो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू वेरी मच।